सिंपल पेपर साइंस टर्म वन में क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि प्रिज्म एबीसी विद बेस बीसी इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है ना। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 में अलग अलग ओरिएंटेशन दिया हुआ है। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन बिलो फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कोरोस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई, ठीक है ना। तो देखिए इसको समझते हैं। अब देखिए जब व्हाइट लाइट ऐसा इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विवियोर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलता है कलर ऑफ लाइट और जो है ना थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए बी आई बी है ना, तो स्काई का कलर भी ब्लू होता है और थर्ड नंबर पे भी ब्लू आ रहा है। तो ब्लू क्या है ना, बेस से इधर तीसरे नंबर पर है ना, बेस से इधर मतलब सबसे पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, ठीक है ना। तो देखते हैं मतलब बेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो थर्ड नंबर पर, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम है ना, तो ये जो थर्ड कलर होगा टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम बोल रहा है। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बी आई बी है ना, ब्लू जो है ना नीचे से थर्ड पे जाएगा, टॉप से नहीं जाएगा। लेकिन इसी प्रिज्म को अगर हम लोग उल्टा कर दें ऐसा, जैसे कि सेकेंड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा में क्या हो जाएगा, पहले बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा। तो ये टॉप से ना थर्ड नंबर पे हमको ब्लू मिलेगा, किस में, सेकेंड वाले ऑप्शन पे। ये समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी।